गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लूसर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पार्टनरशिप का फंडामेंटल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और थोड़ा सा दिक्कत आती है इसमें, लेकिन अगर स्टार्टिंग से आप कर रहे हैं तो कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रीवियस पार्ट जरूर जाके देखें, स्टार्टिंग वाले बीच वाले पार्ट्स में आएंगे तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहेगा रहेगा, सर ये पार्ट समझ में नहीं आता, सर कहीं कन्फ्यूजन रहा, सर ये चीज क्लियर नहीं हुई। तो आप मेरे एडवाइस है, जो पहला पार्ट है वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर मेरी क्वेश्चन 69 तक की सारी YouTube पे वीडियो अपलोड है और पार्ट्स एडजस्टमेंट मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो पार्ट्स एडजस्टमेंट का जो क्वेश्चन स्टार्ट है वो 61 से स्टार्ट है, तो वहां से अगर आप देखना शुरू करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, जल्दी समझ में भी आएगा। और आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 को लेकर प्रॉब्लम आ रही थी। तो क्वेश्चन नंबर 70 है टी एस ग्रेवाल का और ये पार्ट्स एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, ये क्वेश्चन अपने आप में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर हर बार देता ही देता है। देखो इसमें तीन पार्टनर है, एक है प्रणव, करण और रहीम पार्टनर है, एक है प्रणव और एक है हमारा करण और एक है रहीम। और ये वाला जो अकाउंट होता है ये फर्म का आता है, फर्म का डेबिट क्रेडिट, रहीम का डेबिट क्रेडिट, करण का डेबिट क्रेडिट, प्रणव का डेबिट और क्रेडिट, और ये आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं है क्या। ये कह रहा है प्रणव और करण रहीम पार्टनर है, रेशियो है 3:1, उनकी कैपिटल है 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख रेस्पेक्टिवली 1 अप्रैल 2023। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड वर एंटाइटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। प्रॉफिट है हमारा 78,000 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर विदाउट अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारे को जो प्रॉफिट हुआ था 78,000 का, वो प्रॉफिट हमने गलती से पार्टनर्स को दे दिया है, तो अब पार्टनर से क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। जब वापस लेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे हमारे, डेबिट। पहले गलती से वो क्रेडिट हो रहे थे, अब क्या हो जाएंगे, डेबिट। और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो था वो क्या हो जाएगा, वापस क्रेडिट हो जाएगा। प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हुए थे ये, ये हुए थे 3:1 में, 3:1। 78,000 को 3:1 में डिवाइड करो, 36 और 13 यह आ जाएगा 78,000। यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये जो प्रॉफिट था हमारा कितने का था, 78,000 का था, जो गलती से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बिना हमने दे दिया था। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो निकालो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रणव का इंटरेस्ट देखो कितना आएगा, प्रणव की कैपिटल कितनी है बताओ, 5 लाख से, 5 लाख का 10% 50,000 आ गया। दूसरा कौन है पार्टनर, करण कैपिटल, इसका कितनी कैपिटल है, 3 लाख, 3 लाख पे 10% निकालो कितना आएगा, 30,000। और करण की बात क्यों ना है, रहीम कैपिटल, रहीम की कितनी है, 2 लाख, इसका 10% निकालो कितना आएगा। अब देखो हमारा इंटरेस्ट कितना बैठ रहा है, टोटल टोटल इंटरेस्ट तो ये बैठ रहा है। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, ध्यान रखना। प्रॉफिट है हमारे पास 78,000 का, कितना प्रॉफिट है हमारे पास, जबकि प्रॉफिट कितना है 78, तो ये ध्यान रखना है प्रॉफिट कम है या ज्यादा है हमारे पास, कम। इंटरेस्ट देना हमें 1 लाख, प्रॉफिट हमारा 78, और रूल क्या कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप नहीं दे सकते, जितना प्रॉफिट है उतना ही देना पड़ेगा। तो भाई अब क्या करें,
तो अब जो जितना हमारा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का रेशियो क्या है हमारा, इंटरेस्ट का रेशियो ये है, इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल का जो रेशियो है वो क्या है हमारा, 5:3:2। तो इस 78,000 को 5:3:2 में बांट दो, समझ में आ गया, प्रॉफिट कुछ बचा ही नहीं, सारा का सारा हमने क्या बांट दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो ना, तो 78,000 को 5:3:2 में बांटो, फटाफट बताओ कितना बटेगा, 78,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आएगा 39,000। चलिए फिर आएगा 3 के रेशो में 23,400, और फिर आएगा 2 के रेशो में 15,600। तो यहाँ 78,000 क्या हो गया, 0 हो गया, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब ये क्या हो गया, 78 का टोटल करोगे तो 78 आ गया, यहाँ पे भी 78, तो फर्म का अकाउंट तो बंद हो गया भाई हमारा, फर्म का अकाउंट तो क्या हो गया बंद। अब यहाँ देखो ये 39 है, तो भाई साहब ये भी 39 है, इसका भी अकाउंट बंद हो गया। अब देखो यहाँ कितना है, 26,000, और ये कितना है, 23,400। तो कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट साइड, डेबिट साइड कितने से ज्यादा है, 2600, डेबिट साइड कितनी ज्यादा है, 2600 से। इधर देखो, इधर 15,600 है, इधर 13,000 है, तो 2600 रुपए से क्या है यार, क्रेडिट साइड, ठीक है ना। तो जनरल एंट्री क्या बन रही होगी, करंट डेबिट टू रहीम बन रही है, देखो करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रहीम कैपिटल अकाउंट, तो जनरल एंट्री बन जाएगी हमारी करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रहीम कैपिटल अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टेड, ठीक है, 2600 रुपए से। आई होप समझ में आ गया होगा यहां तक, कोई डाउट्स है, कोई कंफ्यूजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑनलाइन व्यूअर्स का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और कहीं प्रॉब्लम्स आती तो बेटा जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उनकी एक जल्दी वीडियो बना के दूंगा। थैंक यू वेरी मच, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।